अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मालवनी मटन मसाला। ये तीन छोटी छोटी ओनियन है, प्याज है जो मैंने काट दिया है, चॉप कर दिया है, और ये चार हरी मिर्चियां हैं, आधा कप हरा धनिया है, आधा वाटी खोपरा है फ्रेश नारियल, हाफ कोकोनट है ये, आधा कप हरा धनिया। ये तीनों चीज़ें हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर देंगे इसको थोड़ा सा पानी डालकर। हरा मसाला खोपरे के साथ नारियल के साथ पीस दिया है, देखिए कितना फाइन पेस्ट है ये। आधा कप तेल गरम हो गया है, अगर आपको कम तेल लेना है तो कम लीजिए। ये तीन छोटे छोटे प्याज, छोटे छोटे कांदे मैंने बताए थे वो मैं डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे प्याज को। देखिए प्याज थोड़ी थोड़ी पिंक हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे अच्छे गरम मसाले, आधा टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स, काली मिर्च डाल दिया है, हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा। तो हम इसमें 3 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे टमाटर डालकर। एक टीस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे आधा टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, मिक्स करते जाएंगे। इसमें सिर्फ मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। दो टीस्पून मालवनी मसाला पाउडर डाल दूंगी। सब कुछ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे, स्लो फ्लेम पे था गैस अभी तक।
मसाला डालने के टाइम स्लो फ्लेम पे कर दीजिएगा, वरना मसाला जल जाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम स्लो फ्लेम पे कर दिया था गैस को। 10 मिनट तक मसाला भून देना है। मसाला 10 मिनट तक भून चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। ये आधा किलो मटन है, वॉश करके रखा था। ये भी आप इसमें डाल देंगे। फ्लेम स्लो कर देंगे। पांच मिनट तक इसी तरह से हिला हिला कर मसाले को भून लेंगे। फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और मसाले को गोश्त के साथ 5 मिनट तक भून लेंगे। नमक कम हो तो नमक भी डाल देंगे चखकर। मिनट तक मसाले को भून दिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा कम डालेंगे। हरा मसाला जो मैंने पीसा था वो ऐड कर देंगे अभी। पानी से घोल कर भी डाल देंगे। 5 मिनट तक भून दिया। अब देखिए ये उबल रहा है। इसको अब हम प्रेशर कुक कर देंगे 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। जैसे ही सीटी बजेगी 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे। फिफ्टीन मिनट्स तक विसल के बाद से स्लो फ्लेम पे इसको प्रेशर कुक कर लिया। अब ये रेडी है। नेचुरली प्रेशर निकलने पर खोल दिया। मालवनी मटन मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।